तो हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए क्रिसमस थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी सी और स्टाइलिश थीम्स के बारे में, जो कि ये क्रिसमस थीम्स होने वाली है। काफ़ी सारी कमेंट्स गाइस मेरे पास आई थी, क्योंकि कल जो है क्रिसमस डे है, तो एडवांस में हैप्पी क्रिसमस डे। एंड आज की इस वीडियो में आपको इसी थीम्स के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये थीम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो यार, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें यार, जिससे कि आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएँ। इसके इस चैनल पे गाइज मैं हमेशा वीवो की वीडियोस डालता हूँ। अगर आपका है किसी और कंपनी का फ़ोन या फिर कोई और, तो यार आप मेरा एक दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं उस पर सारे फ़ोन के लिए वीडियो अदरवाइज सारे बहुत सारी थीम्स वगैरह बनाते रहता हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ थीम्स का रिव्यू करा देता हूँ। तो सिंपल सा ये जो मेरी थीम्स है वो कुछ इस तरीके की, ठीक है। थीम्स जो है वो मेरी ये है, और इस थीम्स को मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अप्लाई करने के बाद जो है गाइज कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आपको जो होम स्क्रीन लुक मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिल रहा है। और लुक में आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो गिफ्ट पैक, गिफ्ट में वाला जो वॉलपेपर रहता है, क्रिसमस गिफ्ट का जो वॉलपेपर है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी थीम्स को जो काफ़ी प्यारा सा लुक मिल जाता है क्रिसमस डे के रूप में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसके आइकन वगैरह की, तो आइकन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं गाइज, बहुत ही प्यारे आइकन देखने में लग रहे हैं। और HD आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। देख सकते हैं कि कितने प्यारे आइकन यहाँ पे देखने में लग रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक आपके फ़ोन को देने वाले हैं। इसके साथ अगर हम बात करें इसकी बैटरी की गाइज, तो यहाँ बैटरी जो है यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाली है आपकी। इसके साथ अगर नोटिफिकेशन पैनल में बात करें, तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है वो शॉर्टकट सेंटर्स वाला जो ट्रांसपेरेंट वाला वॉलपेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वॉलपेपर मिलेगा, जहाँ में यानी कि जैसा आपका पीछे का बैकग्राउंड रहेगा वैसा ही आपके जो बैकग्राउंड का कलर है वैसा हो जाएगा, तो इसे हम ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर बोल सकते हैं। इसके साथ नोटिफिकेशन पैनल जो है वो आपको यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है, सेम वैसे ही रख दिया गया है। बट आइकन वगैरह बहुत ही अच्छे से कर दिए गए हैं। सेटिंग्स की बात करें तो वो पूरी तरीके से चेंजेस कर दी गई है गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। इसके साथ अगर डायलर की बात करें, तो डायलर भी यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डायलर है। डायलर में किसी टाइप का कोई भी बक्स देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके लॉक स्क्रीन की, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जी हाँ दोस्तों, लॉक स्क्रीन जो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखने में लग रही है। कुछ इस तरीके की लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइज कुछ इस तरीके की होने वाली है थीम्स। अब बात कर लेते हैं गाइज कि इस थीम्स को आप अपने वीवो के डिवाइस में कैसे यूज़ कर सकते हो। गाइज उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने थीम का लिंक दिया है, वहाँ से थीम्स को डाउनलोड करना है। और थीम्स को डाउनलोड करने के बाद में अप्लाई कर लेना। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है गाइज, तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसे देख के आप अप्लाई कर सकते हो और इस थीम्स को यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।